हेलो एवरीवन मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ आज आपकी पुष्पा लेके आई है जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही ख़ास रेसिपी जिसके बिना हमारी पूजा अधूरी है तो आज आपकी पुष्पा बना रही है पंजीरी वो भी धनिया वाली तो उसके लिए मैंने लिए हुए हैं फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट एक गरी का ग्वाला लिया हुआ जो ढाई ग्राम है और साथ में दो ग्राम काजू और दो ग्राम बादाम किशमिश तो इस तरह से जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो आप ले सकते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो गरी का ग्वाला है इसको तोड़ करके हमें इसको कद्दूकस कर लेना है तो हम आधा कद्दूकस करेंगे और आधा हम इसको काट करके तैयार करेंगे इस तरह से आप पंजीरी बनाएँगे तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी और आपने तो सुना ही है कि भगवान जी को पंजीरी बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती है और जन्माष्टमी में विशेष कुछ बने या ना बने पर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो उसमें हमारे जन्माष्टमी में ज़रूर बनाए जाते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत ही खास स्पेशल फेस्टिवल होता है इसको बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है तो मैंने भी आज सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो देखिए इस तरह से मैंने ग्वाला को कुछ मैंने देखिए कद्दूकस लिया और कुछ मैंने इसको पतला पतला सा लंबा लंबा सा काट करके तैयार कर लिया यदि आप आप छोटा छोटा काटना चाहते हैं तो आप इसको छोटा भी काट करके तैयार कर सकते हैं हम लोगों के जन्माष्टमी को बहुत ही खास और बहुत ही धूमधाम से फ्रेंड्स मनाया जाता है आपके यहाँ मनाया जाता है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आज की आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे जरूर कमेंट करके फ्रेंड्स बताइए तो देखिए गरी हमारी कट करके तैयार हो चुकी है और इसी तरह से हमने सारे जो ड्राई फ्रूट लिए हैं इनको भी हमें काट करके तैयार कर लेना है तो आप इसमें जितने ड्राई फ्रूट चाहें उतने डाल सकते हैं क्योंकि पंजीरी में जितने ज्यादा ड्राई फ्रूट डलते हैं उतनी ही ज्यादा अच्छी ये बनकर के तैयार होती है तो देखिए मैंने जो काजू लिए हुए हैं थोड़ा सा काजू को भी मैं बीच बीच से तोड़ दूंगी और कुछ मैं खड़े काजुओं को रखूंगी और साथ में ही मैंने ली हुई है फ्रेंड्स किस्मत तो किस्मत को मैंने इसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं तो इसको मैंने बीन करके साफ कर लिया है और साथ में ही मैंने काजू के साथ में थोड़े से बादाम लिए हुए हैं तो बादाम को भी थोड़ा सा लंबा लंबा सा काट करके हम तैयार कर लें मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इनको काटा हुआ है थोड़ा सा ही मैंने इसको काटा है और साथ में आप चिरौंजी पुस्ता जो भी आप डालना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट फ्रांसिस में आप ले सकते हैं ये पंजीरी जो है बहुत ही स्पेशल है एक बार फ्रांसिस इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए और एक बार इस जन्माष्टमी में आप इस तरह से बना के जरूर तैयार कीजिए क्योंकि आज जो मैंने ये पंजीरी बनाई हुई है बहुत ही स्पेशल है और ये धनिया वाली पंजीरी आज बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए हमें तो को जो जो सामग्री ज़रूरत पड़ेगी वो मैं सब यहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगी तो देखिए जैसे मैंने मखाने भी साथ में लिए हुए हैं तो मैंने ज़्यादातर सामग्री 200 ग्राम 250 ग्राम इतनी ही ली हुई है तो उतने ही आप चाहे तो इसमें फ्रेंड्स मतलब जैसे कि ढाई ग्राम आपने गरी ली हुई है और ढाई ग्राम ही मैंने इसमें मखाने लिए हुए हैं तो हमें ढाई ग्राम फ्रेंड्स चीनी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चीनी को पीस करके तैयार कर लेंगे इसके बाद हमें ले लेना है पचास ग्राम धनिया तो जो धनिया है फ्रेंड्स तो आज इसको हम खड़ा यूज करेंगे क्योंकि ये धनिया वाली पंजीरी है जो भगवान जी को बहुत ही ज्यादा पसंद रहती है और खास करके जन्माष्टमी में ही इसको बनाया जाता है वैसे तो इस रेसिपी बना रहे हैं वो महिलाएं भी खाती हैं जिनकी डिलीवरी होती है या फिर बहुत ही ज्यादा वीकनेस रहती है तो उनके लिए ये स्पेशल बनाई जाती है पर वैसे तो कोई खाए या ना खाए पर जन्माष्टमी में भगवान जी को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद रहती है तो इसी का ही प्रसाद लगाया जाता है तो इस तरह से हमने देखिए पचास ग्राम धनिया को लिया है और धीमे में आच में हम इसको तब तक रहेंगे जब तक इससे अच्छी सी खुशबू आने नहीं लगेगी तो फ्रेंड्स तो नहीं करना है हमें धनिया को सिर्फ ऐसे ही भूजना कढ़ाई में डाल करके वो भी तब तक जब तक इसका अच्छा सा सौदापन हमें आने नहीं लगता है धनिया के डालने से क्या होता है जो पंजीरी होती है बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है और ये खास करके भगवान जी के प्रसाद में यूज होती है तो इस तरह से देखिए हल्का सा कलर आ जाएगा और ये इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है तो आपको जैसे ही लगे कि ये धनिया भुन चुकी है तो इसको हम ठंडा होने देंगे और इसका हम एक बहुत ही बारीक पाउडर पीस करके तैयार कर लेंगे तो धनिया को हमने इधर पीसने को रख लिया है और इधर हमने गैस में चढ़ा दी है कढ़ाई कढ़ाई में हमने डाल दिया शुद्ध देसी घी तो यहाँ मैंने दो चम्मच के करीब घी को डाला हुआ है और जैसे आपको लगे घी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे अपने सारे मखाने तो मखानों को हमें थोड़ा सा उस तरह से नहीं भूजना जैसे पूड़ियों को तला जा थोड़े से घी में हम इसको क्रिस्पी होने तक भूंजेंगे और गैस को हम थोड़ा सा रखेंगे स्लो धीमे धीमी आंच में इसको तब तक भूंजते रहेंगे जब तक मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तो आप चाहें तो इसको ज्यादा सा ज़्यादा घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं जैसे हम आ, जो गुड़ का पाक बनाते हैं तो उस तरह से भी आप फ्राई कर सकते हैं फिलहाल मैंने मुझे क्योंकि पंजीरी बनाना है तो ज़्यादा मुझे घी डालने की इसमें जरूरत नहीं है मैं सिर्फ दो चम्मच घी में ही धीमे धीमी आँच में मखानों को भूंजती रहूँ होंगे जब तक मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तो ये बहुत ही कम घी में हमारी आज की रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी और ये जो रेसिपी फ्रेंड्स है वो शुद्ध देसी घी से ही बनती है क्योंकि जो प्रसाद वाला जो जो प्रसाद की चीज़ें होती हैं सारी घी के द्वारा ही बनाई जाती हैं और फिर आपके ऊपर है आप जैसे भी बनाना आपके यहाँ जैसे भी बनता हुई हो हम लोगों के यहाँ खास ये शुद्ध देसी घी से ही बनाया जाता है तो देखिए मखाने हमारे अच्छे से ये भुन चुके हैं हम थोड़ा सा हाथों से इसको तोड़ करके चेक कर लेंगे ताकि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी होकर के तैयार हो जाए अब हमें क्या करना फ्रेंड्स जो मिक्सी का जार है इसमें हमें सारे मखानों को पलट लेना है जब थोड़े से मखाने हमारे ठंडे हो जाएंगे तो इसको हम एक बार मिक्सी में चला लेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है थोड़ा सा हम पीस लेंगे ताकि कुछ हमारे इसके पीस बने रहें और कुछ थोड़ा सा पिस करके तैयार हो जाए इसी कढ़ाई में थोड़ा सा एक चम्मच घी और डालेंगे और इसमें हम अपने काजू बादाम को थोड़ा सा अच्छा सा कलर आने तक इनको फ़्राई कर लेंगे तो इस तरह से जो ड्राई फ्रूट भूनते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार होती है और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है बस आपको एक चम्मच घी डालना है और इसको धीरे धीरे से बिल्कुल इसको चलाते जाना है और जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा बादाम में और काजू में कलर आ चुका है तो बचे हुए ड्राई फ्रूट भी इसी में डाल करके भूज लेंगे तो इस तरह से क्या होगा आप चाहें तो ज़्यादा घी में भून सकते हैं पर यदि आप कम घी खाना यूज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़े से ही में इसको बना करके तैयार कर सकते हैं अब हमने डाल दिया है इसमें अपना जो गरी का जो हमने गरी को कद्दू कस करके रखा हुआ है और साथ में जो काट करके गरी तैयार की है तो उसको भी हम डाल देंगे इससे हमारी जो गरी होगी बहुत ही अच्छी से खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा सोनापन इसमें आ जाएगा तो इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूटों को अच्छे से भूज लेना है साथ में ही अब डाल देंगे हम अपनी किशमिश जो हमने रखी हुई है चिरौंजी पुस्ता तो सारे ड्राई फ्रूट को हमें इसी तरह से धीमे धीमे आँच में थोड़ा सा भूनते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है और थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है तो इस तरह से जब गरी भून जाती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो देखिए मसाले ये सारे हमारे ये भूंज करके तैयार हो गए हैं और मैंने किशमिश को ज़्यादा फ्राई नहीं किया है इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में ही को डाला हुआ है क्योंकि यदि आप चाहते हैं तो घी में आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं पर मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत ही कम घी में ये रेसिपी बना करके फ्रेंड्स तैयार कर रही हूँ तो सारे देखिए ड्राई फ्रूट हमारे भूंज करके तैयार हो चुके हैं अब आप चलते हैं हम इसको बनाने के लिए तो अब हमें क्या करना है कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है तो ये मैंने कांच का एक बाउल लिया हुआ है तो इसमें पहले मैं आधे ड्राई फ्रूट डालूंगी इसके बाद देखिए क्योंकि थोड़ा सा बर्तन छोटा है और थोड़ा सा बड़ा बर्तन मुझे लेना चाहिए था पर मैंने थोड़ा सा सामग्री ज़्यादा हो गई थी अब हमने क्या किया इसमें पिसे हुए हमने मखाने डाल दिए तो मखानों को आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा हुआ है और अब हमें डाल देने हैं इसमें पिसी हुई चीनी तो चीनी आप अपने जैसे आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे चीनी भी यूज की है और ध्यान रखें आप पिसी ही चीनी का इस्तेमाल करें और यदि आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं इसके बाद देखिए हमें चीनी को और साथ में मखानों को और साथ में जो ड्राई फ्रूट डाले हैं इनको हमें अच्छे से मिला लेना है तो अभी जो बचे हुए ड्राई फ्रूट है वो भी हम इसमें मिला देंगे तो इस तरह से चम्मच के हेल्प से हमें थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से मिला लेना है थोड़ा सा बर्तन छोटा है इसके वजह से मैं थोड़ा सा मैंने आधा बैटर इसमें डाला हुआ है अभी मैं देखिए पूरा इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं मिला दूंगी तो देखिए इस तरह से ये लग रहा है जैसे हमने मखाने को पीस करके तैयार किया है तो लग रहा है जैसे ये आटा हो तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दरदरा पीस करके तैयार कर लेना है और जो बचे हुए ड्राई फ्रूट है वो भी हम सारे इसी में डाल देंगे और जो हमने धनिया पीस करके रखी हुई है साथ में हम इसको भी डाल देंगे तो अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट पाउडर भी डाल सकते हैं जिसको गेंगर पाउडर बोला जाता है तो आप चाहें तो इसमें एक चम्मच इसको भी डाल सकते हैं तो अब हमें सारी सामग्रियों को अच्छे से फ्रेंड्स मिला लेना है तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी टेस्टी और पंजीरी बनकर के तैयार हो चुकी है अब यदि हमें प्रसाद के लिए इसको, इसको इस्तेमाल करना है तो हम इसमें यूज करेंगे तुलसी की पत्तियाँ क्योंकि भगवान जी के लिए जब भी भूख लगाया जाता है तो तुलसी के पत्ती का जरूर इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती को भी डाल देंगे इस तरह से हम ज़्यादातर ये जब बनाया जाता है जब लेडीज़ों को डिलीवरी होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है तब इस तरह से गाँव में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है मैंने भी खाया है हो सकता है आपने भी खाया हो तो अभी भगवान जी का जन्माष्टमी पर्व आ रहा है तो इस बार इसको धनिया वाली ये पंजीरी ज़रूर बनाइए और इस तरह से भगवान जी को भोग लगाइए तो भगवान जी आपके खुश हो जाएंगे क्योंकि जन्माष्टमी में कुछ बने या ना बने पंजीरी तो ज़रूर बनती है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए आज के लिए बस इतना